गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज आपका एनक्यू का पार्ट 24 है और क्वेश्चन नंबर 39 है। और अभी जो क्वेश्चन बनेगा वो मेडिकल बेस होगा, मेडिकल एक्सपीरियंस बेस होगा। इसे दो क्वेश्चन और करूँगा, ठीक है, उसके बाद इसे ओवर करूँगा। ओके, थैंक यू। देखिए कैलकुलेट 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 दी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन Calculate the amount of medicine used for the year 2020 for For the year 2020 of the stock of medicine, we have a particular share. Particular share, we have a amount है, और यहाँ पर रुपीज़ है. Opening stock of medicine. opening stock of medicine how much 10,000 opening Caters of medicine, opening caters of medicine, opening creditors, opening caters of, opening caters of medicine, 9,000 Cash purchase of medicine during the year. Cash purchase of medicine. Cash purchase. Cash purchase of medicine. Cash purchase of medicine. During the year forty thousand closing stock of medicine. Closing stock of medicine closing stock of medicines 15,000 closing caters of medicine
लॉजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऑफ क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन 13,000 है। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। बैठे देखिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं। चलो इसे देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन यूज इन ईयर, कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन यूज ड्यूरिंग ड्यूरिंग 2020। यहाँ लिखे 2020, ठीक है। और देखिए पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, और देखिए कैश परचेज, कैश परचेज मेडिसिन परचेज इन कैश, मेडिसिन परचेज इन कैश 40,000 प्लस क्लोजिंग क्रेडिट्स ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन 13,000 है। लेस ओपनिंग क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन, ऑफ मेडिसिन ये आपका क्या 9,000 है, ये आपका क्या 44,000। ये टोटल परचेज, टोटल मेडिसिन परचेज, टोटल मेडिसिन परचेज 10 क्रेडिट दोनों, इसमें कैश के दोनों परचेज किया। अब इसमें क्या कीजिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन जोड़ दीजिएगा तो टोटल मेडिसिन आपका निकल जाएगा। प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितनी 10,000 है। ये क्या है टोटल मेडिसिन, अवेलेबल, टोटल मेडिसिन अवेलेबल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 15,000 तो आपको गया 0,0,0 हो गया, 4,5 गया, 9 4 में से 1 गया 3। आपने इतना मेडिसिन क्या किया यूज कर दिया आपने, टोटल मेडिसिन यूज, टोटल मेडिसिन मेडिसिन यूज। अब इसको पजन कैसे करते हैं वो देखिए, पजन कैसे करते हैं, आपको सिर्फ ये निकालने को बोला है पर मैं इसको पजन करना भी दिखा देता हूँ कि इसको पजन कैसे करते हैं, हाउ टू पजन इट। देखिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, VR, CR, expenditure, expenditure, amount, रुपीज, यहां पे आएगा इनकम, अमाउंट रुपीज, यहां लिखेंगे टू मेडिसिन यूज, मेडिसिन यूज 39,000। ये इस प्रकार से इनकम एक्सपेंसिव का मैं दिखाऊंगा, इनकम एंड एक्सपेंसिव फॉर्म इस वजह दिखाऊंगा। बैलेंस शीट में देख लीजिए, बैलेंस शीट लायबिलिटी, लायबिलिटी ये आपका 1/1/2020 ये आपका 31 December 2020 है। यहाँ पर अमाउंट है ये रुपीज है, ये अमाउंट है ये रुपीज है, ये आपका एसेट्स है, केटेस पर मेडिसिन, केटेस पर मेडिसिन, केटेस पर मेडिसिन, केटेस पर मेडिसिन 9,000
और 13,000 है, और अपनी स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10,000, 15,000, देखिए क्वेश्चन में 39 हो गया। अब एक क्वेश्चन और करता हूं, क्वेश्चन नंबर 40, उसके बाद ये टॉपिक कवर हो जाएगा, ये टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मेडिसिन टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अकाउंट देखिए अभी हो गया पर्टिकुलर्स 31st March 2019 ये अमाउंट ये रुपीज हो जाएगा, तो जो भी रहेगा 31st March 2020 अमाउंट रुपीज, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 8,15,000, 8,15,000 क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन 6,08,000, 6,08,000 कैश पेड टू क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन, कैश पेड टू क्रेडिटर्स
केटस ऑफ मेडिसिन, केटस ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर वॉज ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द ईयर वॉज रुपीज 30 लाख। अब देखिए सॉल्यूशन देखिएगा, देखिए इसे कुछ इसमें बता रहा है कि इनकम एंड स्पेशल अकाउंट के डेबिट में कितना आएगा, बस इतने पूछ रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको दिखाऊंगा कि स्पेशल अकाउंट के डेबिट के में कितना जाएगा, लिख करके दिखाऊंगा फॉर्मेट में, और फिर अपनी बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस में कितना कितना अमाउंट जाएगा, ये आपको मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन में उतना ही सॉल्व करेंगे जितना आपसे बोल रहा है। ओके देखिए सॉल्यूशन देखिए, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज 1 पे टू बेटर्स अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स केटर्स ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन समच 30 लाख, ठीक है, लेस अपनी केटर्स ऑफ मेडिसिन, लेस अपनी केटर्स, अपनी केटर्स ऑफ मेडिसिन अपनी केटर्स ऑफ अपनी केटर्स ऑफ मेडिसिन 6 लाख, लेस ये प्लस है प्लस क्लोजिंग केटर्स ऑफ मेडिसिन प्लस क्लोजिंग क्लोजिंग केटर्स ऑफ मेडिसिन क्लोजिंग केटर्स ऑफ मेडिसिन क्लोजिंग केटर्स ऑफ मेडिसिन ओके यहां पर निकल गया अब 32 लाख मेडिसिन परचेज मेडिसिन परचेज परचेज ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग द ईयर प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 8 लाख आपका हो गया 14 लाख टोटल मेडिसिन अवेलेबल टोटल मेडिसिन टोटल मेडिसिन अवेलेबल अवेलेबल
लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ऑफ मेडिसिन ₹15 लाख, इतना कमा 40 लाख आपने का मेडिसिन परचेस किया है, उसमें से 15 लाख का मेडिसिन बचा हुआ है, फिर आपने कितना यूज किया, 25 लाख यूज किया, ये हो गया मेडिसिन यूज ड्यूरिंग ईयर, मेडिसिन यूज ड्यूरिंग ईयर, टोटल मेडिसिन यूज ड्यूरिंग ईयर, टोटल मेडिसिन यूज, टोटल मेडिसिन यूज ड्यूरिंग द ईयर अब देखो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, to medicine use. Medicine use 25 lakhs.
3 liters. लीटर्स देखिए 6 लाख 8 लाख स्टॉक ऑफ मेडिसिन 8 लाख 8 लाख स्टॉक ऑफ मेडिसिन 8 लाख और 15 लाख। देखिए पूरा प्रेजेंटेशन हो गया, इस वजह से दिखाएंगे। यदि आपको दिखाने के लिए बोलता है कि पर्टिकुलर आइटम कहाँ कहाँ जाएगा तो इस वजह से दिखा दीजिएगा। यदि बोला कि इनकम एक्सपेंसिव कितना जाएगा ये दिखा देंगे। बोलेगा बैलेंस शीट में कितना जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट के में केटर्स इतना आएगा मतलब 6 लाख और क्लोजिंग में 8 लाख। यदि आपके पास बोलता है कि स्टॉक ऑफ मेडिसिन कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस में कितना जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस में कितना जाएगा, तो बना के दिखा दीजिए। ओपनिंग बैलेंस शीट में 8 लाख जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस में 15 लाख जाएगा स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो ये आपका जो स्टॉक ऑफ मेडिसिन वाली जो है ये टॉपिक ओवर हो गया। नेक्स्ट वर्ष आपको निकालूंगा स्पोर्ट्स मटेरियल का दिखाऊंगा, उसमें से 4-5 क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, टॉपिक वाइज कवर करूंगा। जब टॉपिक वाइज कवर हो जाएगा तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन लेकर चलूंगा, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।